हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। सो गाइस, आज ना मैं आप लोग सोचोगे इतनी सारी तैयार व्यार होके कहाँ जा रही हैं आपकी, तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं आज आप लोग के साथ में अपना पर्स कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि जब मुझे सारे जो पर्स हैं मुझे रिसीव हो जाएंगे ना, उस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे और न्यू क्लचेस और पर्स मंगाए हुए हैं, सो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले मंगाए हैं मैंने, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम पर्स देख लेते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मैंने मंगाए हैं और सोच रही थी इस बार जो है ना पर्स में मैं सारी ही चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब क्लच वगैरह भी मंगाए हुए हैं मैंने और साथ में हैंड पर्स वगैरह भी हैं, और जो हम मार्केट वगैरह जाते हैं तो उस टाइप के पर्स भी हैं, राजस्थानी पर्स भी है। तो सारी चीज़ें आज आप लोगों को देखने को मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट। और चलिए अभी मुझे क्या है ना, पसीना आ रहा है, लाइट चली गई हमारे यहाँ की, तो बस अभी मैं लगा देती हूँ कैमरा, सेट कर लेती हूँ अपना, फिर मैं आप लोगों को कलेक्शन दिखाऊंगी अपना। तो जी चलिए, देखना चाहते हो आप लोग मेरे पर्स कलेक्शन तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं भी कमेंट करेंगी तो भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है आप लोगों को अपनी सारी चीज़ें दिखाने की होती ही है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। बड़ा है ये, तो ये मैंने मंगाया है राजस्थानी वाला पर्स, और इस टाइप के पर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखो, ये कुछ इस टाइप से, जब भी हम कहीं मार्केट जा रहे हैं तो हम इसको ले जा सकते हैं, है ना, या फिर हमारे साथ में छोटे बच्चे हैं तो उसमें बॉटल वगैरह हैं, बच्चों की चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें रख के ले जा सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, तो ये अच्छा रहता है इस टाइप का पर्स। और तो इसमें क्या है ना, जिप लगी हुई है यहाँ पे, इस तरीके से दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे इस टाइप से देखो ऐसा है ये, तो जो चोर जिप होती है ना जिसे बोलते हैं चोर जिप, वही वाली है। ये कुछ इस टाइप से है पर्स पूरा, ये ऐसे खुल जाता है यहाँ से, ये है इसकी चौड़ाई। तो एक पर्स मेरा वो हो गया, और एक पर्स मेरा इस टाइप का है इसमें, तो ये पर्स जो है कुछ इस टाइप से है, और इस पर्स के अंदर हमें दो और पर्स मिल जाते हैं, ये साइड पर्स मिल गया है और ये हैंड पर्स मिल गया है इस टाइप से। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेदर के हैं, और ये इसको इस तरफ से हैंग भी कर सकते हैं हम इस टाइप से, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पीच कलर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसमें का आप लोगों ने मेरे पास में जो है स्काई ब्लू कलर, सॉरी ब्लू कलर का भी देखा होगा, है ना, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसी टाइप का ये पर्स मैंने मंगाया हुआ है। और यहाँ से इसमें चेन भी मिल जाती है। अच्छा जी, इसके साथ में ना एक और पर्स भी आया है, ये छोटा सा ये है, तो ये वाला पर्स जो आप लोग देख रहे हैं ना, छोटू सा बड़ा ही क्यूट सा लग रहा है ये, तो इसमें हम अपनी सारे कार्ड वगैरह रख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो है आधार कार्ड वगैरह हो गया है, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत क्यूट सा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये देखो कुछ इस टाइप से है, और ये है एक, और एक पर्स ये है, और एक तो ये है, तो फिर ये 4-in-1 हो गया है ना पूरा। तो चलिए, एक ये था मेरा, और अब मैं आप लोगों को क्लचेस दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला दिखाऊंगी। तो एक मैंने ये वाला क्लच मंगाया हुआ है, डायमंड वाला, ये आप लोग देख ही रहे होंगे इसकी शाइन कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और ये गोल्डन कलर में है। जो भी न्यूली ब्राइड है या जिनकी सगाई होने वाली है या जिनकी शादी होने वाली है, तो वो अपने मतलब किट में ज़रूर शामिल करें इसको, बहुत अच्छा लगता है ये। और इसमें आराम से आप लोग जो है ना अपना सेल फोन रख सकते हैं, कुछ लिपस्टिक वगैरह जो भी आप लोगों को रखनी है चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीज़ें मैंने बहुत सारे क्लच ऐसे देखे हैं जिसमें सेल फोन नहीं आता है, लेकिन इसमें आपका सेल फोन जो है बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से था, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया है ना क्लच,
वो ये है गाइस, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना, इससे नज़र ही नहीं हट रही थी मेरी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये पूरा डायमंड जैसा डिज़ाइन दिया गया है, पूरा डायमंड लगाए गए हैं यहाँ पे, और ये पूरा वेलवेट के ऊपर है, ये ग्रीन कलर का है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस टाइप का शेप है इसका। हाँ, तो ब्राइडल अगर अपने लिए ले रहे हैं ना, तो डेफिनेटली इसको ले लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया है ये। तो ये देखो, इसमें स्पेस इतना ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। और अगर आप इसको साइड में कैरी करना चाहते हैं, टांगना चाहते हैं, तो भी आप इस चैन दी गई है इसमें, तो चैन के ज़रिए से आप इसको टांग सकते हैं। वैसे तो ऐसे क्लच जो है ना, हाथ में ही अच्छे लगते हैं, है ना। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मोस्ट फेवरेट वाला मेरा क्लच है ये। और अब हम अपना लास्ट पर्स दिखा देते हैं आप लोगों को, जो वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ब्राइडल है, न्यूली ब्राइड है, तो उन लोग के लिए इस टाइप के क्लच बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, तो आप इसको ले जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा सामान भी आ जाता है, क्योंकि इसका शेप इतना ज़्यादा अच्छा और बड़ा दिया गया है ना, तो इसमें सामान भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा आपको। यहाँ पे ये पूरा जरी का वर्क हो रहा है, ये पूरा सितारा वर्क दिया गया है यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखा रहा है देखो। और ये पूरा प्योर ब्लैक कलर में है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पूरा जरी का काम किया गया है, नलकियाँ भी लगी हुई हैं इसमें, पूरा काम बहुत ज़्यादा खूबसूरत किया गया है इसके ऊपर। और इसमें भी वही स्पेस है जो मैंने आप लोगों को पहले वाले क्लच में दिखाया, सेम वही है। तो आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा क्लच, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, कि मुझे तो सारे ही पर्स वैसे पसंद आए हैं, क्योंकि सारे ही मेरे जो हैं, जैसे कि हम कहीं शादी में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से हैं, या फिर ब्राइडल है तो उसके हिसाब से भी हैं, जिनकी नई शादी हो रही है उनके हिसाब से भी हैं, कहीं मार्केट वार्केट जा रहे हैं तो उनके हिसाब से भी हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना, डिफरेंट डिफरेंट मंगाए हुए थे, ताकि जिसको जो ज़रूरत हो वो अपने हिसाब से मंगवा सकता है ना। तो अभी वैसे भी आप लोगों को पता है कि शादी सीजन चल रहा है, तो अभी ये शायद आपके घर में या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी की भी शादी हो, तो आप लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। शायद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि अगर मैंने ये पर्स मंगाए हुए हैं तो वो किस टाइप से दिखते हैं, कैसे क्या है, प्राइस क्या है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाती हैं जब हम रिव्यू देते हैं किसी भी चीज़ का, है ना। तो सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाती हैं कि हाँ, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं अच्छी लग रही है। क्योंकि हम क्या है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करने में थोड़ा सा डरते भी हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो आप मंगाएं, और अगर आपके पास आ भी गई है तो वो चीज़ अगर देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं ना। तो इसीलिए मुझे तो जो भी, जितने भी अभी तक मैंने जो भी चीज़ें मंगाई है ना, प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं अमेज़ोन से, तो वो सारी चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, क्वालिटी वाइज भी और रेट वाइज भी। तो इसीलिए मैं तो अमेज़ोन से ही शॉपिंग करती हूँ। तो अभी क्या है ना, शादी वगैरह आने वाली है हमारे घर में भी, मेरे माइक के साइड, तो इसी वजह से क्या है ना, मैंने ये सारी क्लच वगैरह मंगाए हुए हैं, पर्स मंगाए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैं भी शेयर कर देती हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो आप लोग मुझे बताना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला या फिर ये वाला। और भी सारे पर्स जो मैंने आप लोगों को देखा है, सबसे अच्छा कौन सा लगा था, वो सारी चीज़ों में से आप लोग मुझे बताना। ये डायमंड वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब आप कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो इस टाइप के पर्स, अगर आपने वेस्टर्न पहना हुआ है तो इस टाइप के पर्स बहुत अच्छे लगते हैं, सॉरी क्लच, इस टाइप के क्लच बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए, ये थे मेरे सारे पर्स कलेक्शन अमेज़ॉन हॉल। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है आप लोगों को वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शायद आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी ये सारी चीज़ें देख करके, है ना। तो आप लोग डेफिनेटली मंगवा भी सकते हैं। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग लेकर के आने वाली हूँ, तो उसको फुल वॉच कीजिएगा। चलिए अभी आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।